नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सिराजुद्दीन मामले पर एटीएस उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते हैं। कल इसको हमने जो है अरेस्ट किया है शाम को, तो 24 घंटे के अंदर इसको कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेके और पूछताछ करेंगे। सभी एजेंसियों को इसके बारे में पता है, एजेंसियों को बताया गया, उनसे कोऑर्डिनेशन भी है। वो एडवाइज उसका नहीं। तो ये एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बताया गया एटीएस की तरफ से कि 24 घंटे के भीतर, यानी अब से कुछ ही देर में, या कभी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पूछताछ जारी रहेगी। देखिए, बहुत बड़ी खबर थी ये जो निकल करके सामने आई थी। सिराजुद्दीन नाम का ये शख्स जयपुर के जवाहर नगर से पकड़ा गया था। आईएसआईएस का एजेंट, इसे बताया जा रहा है, कनेक्शन सीधे तौर पर भारत का आईएसआईएस से जुड़ता दिखाई दिया। कई दस्तावेज ऐसे मिले जिनसे ये पुष्टि हो रही है कि आईएसआईएस से सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उससे आईएसआईएस को प्रमोट करने की और उससे जुड़े होने की जानकारी भी मिली है। और जो पूछताछ होनी है उसमें बड़े फैसले या बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आ सकती हैं। बड़ा कारण है। देखिए, सबसे बड़ा डर ये था जो पहले ही खुफिया इनपुट्स आए थे कि कहीं ना कहीं आईएस, लश्कर, जैश जैसे संगठनों से संपर्क साध के भारत में जो स्लीपर सेल्स इन संगठनों की है उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस बीच ये किस रास्ते और किस तरीके से इस युवक तक पहुंचे, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जयपुर के जवाहर नगर से पकड़े गए आईएसआईएस एजेंट को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान एटीएस कोर्ट में इसको पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस 5 दिन के रिमांड की मांग कर सकती है, हो सकता है इससे ज्यादा भी मांग की जाए। दोपहर 12 बजे बाद में एटीएस सिराजुद्दीन को पेश करेगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद में कोर्ट में से पेश किया जाएगा। ये बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात था सिराजुद्दीन, यानी एक बड़े पद पर यह तैनात था। और अब से कुछ देर पहले आलोक त्रिपाठी, जो कि एडीजी हैं एटीएस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ कहा था, क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए कहां कहां किससे किसे संपर्क में था ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। लेकिन सभी एजेंसियों से हमारा कोऑर्डिनेशन है, उनको सारी जानकारी दी जा रही है। सर, ये 1.5 साल से जयपुर में रह रहा था राजस्थान में, 1.5 साल से यहाँ रहता था। किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, क्या इसने लोकल लेवल पे भी अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी को प्रपोगेट करने का कोशिश किया? अभी तक ऐसी कोई सामने बात नहीं आई है कि यहाँ पर राजस्थान में इसने अपनी आइडियोलॉजी को प्रसारित करने का कोई प्रयास किया। लेकिन यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी पूछताछ करेंगे, आज उसको पेश करेंगे, कोर्ट से रिमांड लेंगे, पूछताछ करेंगे, ऐसी कोई बात सामने आएगी तो जरूर बताएंगे। बहुत बड़ा कारण एक्चुअली। देखिए, यही बात बोली गई है कि पूछताछ कर रहे हैं, अगर कोई चीज ऐसी आएगी तो बताएंगे। ये देखिए, बहुत महती जिम्मेदारी जो जांच एजेंसी होती है उसकी भी हो जाती है, क्या चीज प्रेस को बतानी है, क्या नहीं बतानी। और जब ऐसे मामलों की तहकीकात की जा रही होती है तो बहुत सारी चीजें आप सामने रख नहीं पाते, तो ये भी एक मजबूरी होती है, क्या चीज बताई जाए, क्या चीज नहीं बताई जाए, क्या बतानी जरूरी भी है। और ये सारी की सारी बातें जांच पर भी फर्क डाल सकती हैं, इसलिए उतना ही बताया जाता है जितना कि जरूरी है। वरुण बंसाली जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। वरुण, बार बार सिर्फ एक ही बात कही गई है एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, अभी जांच जारी है, अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, और जैसी जानकारी आएगी वैसे ही आपको बताएंगे, अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में हम रिमांड लेंगे। यानी ये बातें पहले से पता थी कि ये सारी चीजें होने वाली हैं, उन्हीं चीजों को एटीएस ने ब्रीफ किया है बस। बिल्कुल, उन्हीं सारी चीजों को ब्रीफ किया है और एटीएस ने साफ कहा है कि अब जो है रिमांड के बाद ही, रिमांड में मिलने के बाद ही पूछताछ के जरिए ही बाकी सारी चीजें सामने आ पाएगी। लेकिन अभी जो बताया गया वो यही कि सारे जो दस्तावेज मिले हैं, जो
मैगजीन मिली है, जो बाकी सारी चीजें मिली है, व्हाट्सएप से जो चीजें मिली है इनपुट, वो सारे यही बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है आईएसआईएस की तरफ ही इशारा कर रही है, आईएसआईएस का ये एजेंट है उनकी तरफ इशारा कर रही है, बाकी चीजें पूछताछ के बाद ही पता कर पाएंगे। जी राहुल, बिल्कुल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वरुण मंसाल इसी वीडियो संवाद है, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, यानी कि एटीएस अब यह चाहती है कि रिमांड पर लिया जाए, और तमाम दूसरी जांच एजेंसियां भी हैं जो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी, जो जानकारी लेने पहुंचेंगी जरूर। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के बाद में अब जयपुर में भी आईएसआईएस ने दस्तक दे दी है। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन का एक एजेंट जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। गुलाबी नगरी में आईएसआईएस की दस्तक, पुलिस के हत्थे चढ़ा आईएसआईएस का एजेंट, आईएसआईएस के लिए करता था प्रचार प्रसार, मुस्लिम युवक युवतियों को करता था गुमराह। जी हां, अब कश्मीर और कर्नाटक के बाद पहली बार पिंक सिटी जयपुर से आईएसआईएस के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन बताया जा रहा है। मोहम्मद सिराजुद्दीन पर आरोप है कि वो आईएसआईएस के लिए प्रचार प्रसार करता था। बेंगलोर से आए थे, पोस्टिंग यहाँ हुई थी इनकी, ट्रांसफर होकर आए थे वहाँ से। कब से रह रहे हैं ये लोग? यहाँ फरवरी मार्च में आ गए होंगे शायद, मार्च के करीब ट्रांसफर हुआ होगा जब। तो किसमें काम करते थे और कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार अच्छा था, इंडियन ऑयल में काम करते थे। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस आज के दौर में पूरी दुनिया के लिए जी का जंजाल बन चुका है। साथ ही रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देश लगातार आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच आईएसआईएस ने धमकी भी दी थी कि उसका अगला निशाना भारत है, लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि एक के बाद एक कई आतंकी भारत से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जयपुर एटीएस के मुताबिक आईएसआईएस के लिए प्रचार करने का आरोप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए करता था काम, आईएसआईएस का था सक्रिय सदस्य, आईएसआईएस के लिए लोगों को उकसाने का काम करता था, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम से करता था प्रचार, मुस्लिम युवक युवतियों को आईएसआईएस से जोड़ने के लिए कहता था, आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा के बारे में लोगों को बताता था। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि देश के अंदर आईएसआईएस के लिए प्रचार करने वाला मोहम्मद सिराजुद्दीन से पहले कुछ और लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही खबर तो ये भी आई थी कि आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए भारत के 8 आतंकी सीरिया में मारे भी गए थे। जयपुर एटीएस के मुताबिक फेसबुक और व्हाट्सएप पर बना रखा था ग्रुप्स, ग्रुप के जरिए आईएसआईएस की सामग्रियां बांटता था सिराजुद्दीन, जिहादी विचारधारा का करता था प्रचार, आपत्तिजनक वीडियो, फोटो और मैसेज करता था पोस्ट, आईएसआईएस की ऑनलाइन पत्रिका दाबी के कई अंग बरामद, आईएसआईएस से ऑनलाइन जुड़ा था सिराजुद्दीन, आईएसआईएस के लिए सदस्य बनाने का करता था काम। जी हां, एटीएस के ये खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं। फिलहाल एटीएस आरोपी मोहम्मद सिराजुद्दीन से पूछताछ कर रही है और अब पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि वो आईएसआईएस से किस हद तक जुड़ा हुआ था। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आईएसआईएस भारत को अपना निशाना बनाने की साजिश रच रहा है और उसके लिए भारतीय युवकों को ही भर्ती कर रहा है। बात डराने वाली इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों दुनिया के कई इलाकों में आईएसआईएस ने हमला किया और भारत में भी आए दिन इस आतंकी संगठन के समर्थन में झंडे दिखाए जाते हैं। पिछले एक महीने के दौरान आतंकी हमलों की तीन बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहले रूस के एक जेटलाइनर को आईसिस ने बम से उड़ा दिया, इसमें 224 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पेरिस में आतंकी हमला हुआ, इसमें 129 लोग मारे गए। आखिरी घटना बेरूत में हुई जहां एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, इस हमले में 43 लोग मारे गए। इन तीनों हमलों के पीछे है आईसिस। फिलहाल बेल्जियम सरकार भी कह रही है कि वहां पेरिस जैसे अटैक का खतरा है।
दरअसल पेरिस हमले के 3 दिनों बाद ब्रसल्स पुलिस ने सलाह अब्दुस्सलाम को उसके घर में ही घेर लिया था, लेकिन वो वहां से किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हो गया। बेल्जियम का रहने वाला फ्रांस के 3 भाइयों में सलाह अब्दुस्सलाम सबसे खतरनाक माना जा रहा है और उसके पीछे है ISIS। इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया यानी ISIS, वो दरिंदे हैं जो बड़ी बेदर्दी के साथ सर कलम करते हैं, लोगों को लाइन खड़ा करके मौत के घाट उतार देते हैं। ISIS की दरिंदगी की तस्वीरें देखकर आप भी एक पल के लिए सोचते होंगे कि भगवान न करे अगर ये आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा। ये एक डरावना प्लान है। ISIS ने साल 2020 तक भारत सहित दुनिया के कई देशों पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है। इस विस्फोटक प्लान के मुताबिक मौजूदा समय में इराक और सीरिया में सक्रिय ISIS 2020 तक यूरोप, चीन, भारत और नॉर्थ अफ्रीका तक अपनी पहुंच फैलाना चाहता है।